हेलो एवरीवन, वेलकम टू द टेक्नो मेडूब चैनल। तो भाई इस वीडियो को इसलिए बनाना पड़ रहा है क्योंकि हमने दो दिन पहले अपने चैनल पे एक पोल रखा था अटेंडेंस के रूप में। तो मैक्सिमम जो उस पर क्लिक आया था, मैक्सिमम स्टूडेंट जो अभी कॉलेज में हैं, 60% ज़्यादा लोग वोट किए थे हम कॉलेज में अभी पढ़ाई कर रहे हैं, और जनरली वो बीएससी एग्रीकल्चर या बीटेक एग्रीकल्चर से अपना ग्रेजुएशन कर रहे होंगे या फिर थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर या फाइनल ईयर में होंगे। तो मुझे भी पर्सनली कुछ मैसेज आए थे कि भैया एक कुछ ऐसे फ्री कोर्सेज बता दीजिए जो कि हमारे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग या फिर हमारे जो बीएससी एग्रीकल्चर के कोर्सेज हैं उनको हम अच्छे से पढ़ाई कर सकें वहाँ पे, क्योंकि हमारे कॉलेज में जो लेक्चर वगैरह उतने अच्छे नहीं हो रहे हैं अभी लॉकडाउन की वजह से। ऑनलाइन लेक्चर भी उतने अच्छे समझ में नहीं आ रहा है स्टूडेंट को, ठीक है। तो आपके लिए बहुत ही अच्छे फ्री कोर्सेज में लेके आया हूँ। कुछ वेबसाइट है, बहुत ही पॉपुलर वेबसाइट है, जहाँ पे आपके जो कोर्सेज डिज़ाइन है वो बहुत ही अच्छे प्रोफेसर के द्वारा, जो कि बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ हैं आईसीआर के, उनके द्वारा। तो एक तो हो गई आपके आईसीआर के ई कोर्सेज, और दूसरी जो हो वेबसाइट आपकी एनपीटीएल की। तो मैक्सिमम जो कि अभी थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में उनको कुछ चीज़ें पता होंगी, मैक्सिमम जो स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में अभी आए हैं उनको शायद से आइडिया नहीं होगा इन वेबसाइट के बारे में। तो मैं आपको बता दूं, जो चलिए मैं आपको दिखा देता हूं आईसीआर की ऑफिशियल जो ई कोर्सेज की वेबसाइट है, आप उनको कैसे वहां पे जो कोर्सेज वगैरह उनको पढ़ सकते हैं। तो अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं आईसीआर ई कोर्सेज icr.gov.in करके, तो यहां पे आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। तो ऑनलाइन कोर्सेज ई कोर्सेज में अवेलेबल है आपके बीएससी एग्रीकल्चर के, वेटरनरी के, फिशरी साइंस के, डेयरी टेक्नोलॉजी के, बीएससी होम साइंस के, और आपके एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के और हॉर्टिकल्चर के, ठीक है। अब आप उन कोर्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं, पीडीएफ कोर्स को आप जनरली यहाँ पे जाके चेक भी कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का। तो इसमें आप अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको सारे जो आपके सब्जेक्ट होते हैं, जनरली जो बीटेक एग्रीकल्चर वाले होंगे, अभी आप जितने भी आपके कोर्स पढ़ाए जाते हैं, फार्म मशीनरी के, वाटर से हाइड्रोलॉजी के, जो आपके डिजाइनिंग स्ट्रक्चर के हैं, और कुछ रिन्यूएबल एनर्जी से, किसी भी हीट एंड मास ट्रांसफर अगर आप चेक करना है तो आपके जो कोड होंगे उसको भी दिया रहेगा वहाँ पे, और जो भी प्रोफेसर उन्होंने डिज़ाइन किया है कोर्स को आप उनका यहाँ पे नाम देख सकते हैं। और एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं लुधियाना पंजाब यूनिवर्सिटी के। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि जैसे बड़े बड़े लोग कोर्स डिज़ाइन किए हैं तो आपको गलतियाँ वगैरह नहीं मिलने वाली, और हर एक लेसन वाइज आप चीज़ों को आप एज अ सिस्टमेटिक ढंग से यहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं। तो ज़्यादा जानकारी के लिए मैं सारे जो है वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। तो दूसरे पे चलते हैं, आपका एनपीटीएल, अगर आप एनपीटीएल के जो कोर्सेज हैं उनके एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए सारे जो आपके अलग अलग डिपार्टमेंट हैं सभी के लिए यहाँ पे कोर्स आपको मिल जाएंगे विद वीडियो लेक्चर। बहुत ही बड़े बड़े प्रोफेसर जो हैं आईआईटी खड़गपुर से, उनका ही ये इनिशिएटिव है। जो भी अदर कोर्सेस हैं मैकेनिकल और सिविल वगैरह वाले, उनके भी कोर्स उन्होंने डिज़ाइन किए, बट एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके वीडियो लेक्चर आपको मिल जाएंगे, और बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंसिव प्रोफेसर हैं, जो कि एक डायरेक्टर आप यहाँ पे देख सकते हैं, इनका नाम वी के तिवारी सर। आपको वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ थोड़ा सा कैसे यहाँ पे आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो इनके सारे वीडियोज ही आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे एनपीटीएल के, वहाँ से भी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ये फार्म मशीनरी कोर्स इनका है, ये आपके प्रोफेसर हैं, लेक्चर नंबर 1। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनपीटीएल कोर्स ऑन फार्म मशीनरी। वेल, माय फर्स्ट लेक्चर हैज़ बीन डिजिग्नेटेड एज इम्पॉर्टेंस ऑफ फार्म मशीन्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनहांस प्रोडक्शन, मल्टीपल क्रॉपिंग, लेबर स्कैर्सिटी एटसेट्रा। नाउ थ्रू दिस कोर्स आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन हियर, पर्टिकुलरली इन दिस फर्स्ट लेक्चर। तो आपको मैं वीडियो सारे वीडियो नहीं दिखा सकता, बट आप जाके चेक कर सकते हैं YouTube पे भी, इनका एक चैनल है NPTEL नाम करके। अब किसी भी टॉपिक को सर्च करेंगे डायरेक्टली आप वहाँ पे इनके वीडियोस मिल जाएंगे, या तो डायरेक्टली वेबसाइट पे जाके विजिट करके सारे आपके मॉड्यूल जो हैं, सारे मॉड्यूल आपको समराइज बहुत ही अच्छे तरीके से सिस्टमेटिक ढंग से यहाँ पे दिए गए हैं, आप सारी चीज़ों को पढ़ सकते हैं, ठीक है। वीडियो को डाउनलोड भी कर सकते हैं, आपको असाइनमेंट भी मिल जाएगा यहाँ पे, उन सब चीज़ों को भी अपना फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ मुझे कुछ मैसेज आए थे, कुछ स्टूडेंट हैं जो कि एग्री बिजनेस करना चाहते हैं और कैट की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं। वो पूछ रहे थे कि भैया कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म बताइए जो कि कैट वगैरह के लिए एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए अच्छे हैं। तो जो मेरे सीनियर के रिकमेंडेशन से और मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस रहा है, अब क्रैकू के कोर्स बहुत ही अच्छे हैं, क्रैकू.in, मैं आपको दिखा देता हूँ उनकी वेबसाइट।
तो ये रही इनकी वेबसाइट कोर्स, एज अ कंपेयर जो भी अदर कोर्सेज अवेलेबल हैं उनसे कम प्राइस है और कंटेंट बहुत ही अच्छा है। आपको सारे लेक्चर इंग्लिश में मिल जाएंगे। एक साइली काले मैम हैं, मारुति करके सर हैं, जो कि वो खुद एलुमनाई हैं अहमदाबाद से। उन्होंने कोर्स को डिज़ाइन किया है बहुत ही प्रॉपर तरीके से। जो भी आपका बिल्कुल भी बेसिक स्टार्ट बिल्कुल भी नहीं है, फिर भी आप चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, ठीक है। सभी चीज़ें आपको अच्छी समझ जाएंगे। अभी 6 मंथ रह गए आपके, नवंबर में कैट के एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो आप इजीली अगर स्टार्ट करना चाहते हो तो यहाँ से आप चीज़ों को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक कोर्स ज्वाइन नहीं किया है, 3 फ्री मॉक टेस्ट भी है, उसमें आप ज्वाइन करते हैं। एक बार आप यूट्यूब चैनल पे इनकी वीडियोस देख सकते हैं, अगर आपको पसंद आते हैं तभी आप ज्वाइन करिए। ऐसा कोई फोर्स रिकमेंडेशन नहीं है मेरा, ठीक है। अगर आप चेक कर लीजिए सभी जगहों से, अपने सीनियर से पूछ लीजिए, तब जाके आप अपने तरीके से कोर्स को ज्वाइन करिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी आपको जो मुझे बतानी थी, क्योंकि फर्स्ट ईयर में जो भी स्टूडेंट आते हैं उनको मैक्सिमम चीज़ें नहीं पता रहती, इसलिए मैंने आपको बताया। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अगर आपको आपको कोई टॉपिक है जिन पर वीडियो बनाया जाए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।